क्योंकि तू ही हो। करण भैया को कोई आइडिया नहीं है कि ये वो सिलेंडर नहीं है जिसका उन्होंने सैंपल मंगवाया, ये जहरीली गैस है। गैस लीक होनी शुरू हो गई है, पर करण दूसरे कमरे में है। बेवकूफ, अगर गैस की बदबू फैलेगी तो आएंगे ना वो चेक करने। करण भैया मरने चाहिए। काव्या, अपनी आंखें बंद रखो, जल्दी निकलो यहाँ से बाहर, ये जहरीली गैस है। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं कुछ करता हूँ। काव्या, आंखें मत खोलना, ये बहुत जहरीली इंडस्ट्रियल गैस है। हमें सिलेंडर जल्दी ढूंढना पड़ेगा, इस रूम में कहीं पर रखा हुआ है। मैं भी ढूंढती हूँ। क्यों परेशान हो रहे हैं? रास्ते में होगी, फोन का रिंग नहीं सुनाई दिया होगा उसे। क्या हुआ, फिर से आंख फट गई? हाँ। आयुष्मान आंटी, पृथ्वी कहाँ है? उसे कुछ मैथ्स के थ्योरम पढ़ाने थे। पृथ्वी को दूध लाने के लिए भेजा है, आता ही होगा। वैसे आयुष्मान, तुमने बताया नहीं कि काव्या के घर पे पार्टी कैसी रही? पार्टी? अरे भाई, ऐसी कौन सी पार्टी थी? हमें तो बुलाया भी नहीं गया। मुझे भी आज सुबह ही पता चला मंजीती दीदी से। बता रही थी कि करण ने काव्या के लिए वैलेंटाइन डे की पार्टी रखी थी। वैलेंटाइन्स पार्टी, कमाल है। सही कहा किसी ने, अंग्रेज चले गए, अपनी अंग्रेजियत छोड़ गए, परंपरा, आदर्श, उसूल, रिवाज कहां गए ये सब? और उनकी भारतीय संस्कृति, उसका क्या हुआ? नहीं पार्वती जी, उन्होंने हमारी बिटिया की पढ़ाई बंद कर दी, किताबें बाहर फेंकवा दी उन्होंने, 3 साल की मेहनत उस पर पानी फेर दिया, और अब ये क्या क्या वैलेंटाइन्स पार्टी। जाइए पूछिए, जरूर उनके डॉक्टर ने बोला होगा ये पार्टी करने के लिए। नहीं अंकल, काव्या तो एग्जाम देने कॉलेज आई थी। क्या बात कर रहे हो? करण सर उसके लिए नई किताबें भी लाए थे और इसे एग्जाम्स के लिए तैयार भी किया। करण जी भाई, करण ने तो कमाल ही कर दिया, सच में बहुत अच्छे इंसान है वो। मां लीजिए। तो सिर्फ दूध ही लेने गया था ना? चल अंदर चल के बताता हूँ। चल। पार्वती जी। जी। करण ने काव्या की पढ़ाई शुरू करा दी। सच में बहुत ही लाजवाब आदमी है। सिर्फ लाजवाब आदमी नहीं बल्कि लाजवाब पति भी है। मैं तो हमेशा से ही मानती हूँ कि हमारी काव्या के लिए करण से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता था। गैस निकलने की आवाज यहां से आ रही है। सिलेंडर यहां कहीं पर है।
जितना काव्या का ख्याल रखते हैं ना, उतना शायद ही कोई और रखता होगा। अरे क्या बेईमानी कर रही हैं आप, कह देते हैं हाँ। आप काव्य के पति और काव्य के पापा के बीच में कंपटीशन करा रही हैं। अच्छा मैं एक बार दोबारा फोन करके देखता हूँ काव्य को। काव्य सिलेंडर मिल गया, सिलेंडर मिल गया काव्य। तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से करण की आंखों से पट्टी हटाओ। हाँ बेटा। पापा जी, पापा। कौन है? कौन है? बचाओ पापा। काव्या, काव्या क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है बेटा? काव्या? पार्वती जी, आयुष्मान, पृथ्वी, बेटा हमें अभी हवेली निकलना पड़ेगा। क्या हुआ अंकल, ऐसी क्या बात होगी? मुझे शक है करण और काव्या किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। चलो पार्वती, चलो। अरे चलो, खड़े मत रहो। करण को मारने के चक्कर में हम खुद मर जाएंगे। निकल यहाँ से। है वे भाग। कहाँ है तू? काव्या, काव्या, काव्या। काव्या, 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 काव्या तुम ठीक हो? काव्या, 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 काव्या। Come here, come here.
काव्या काव्या दी काव्या 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 क्या करो काव्या 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 आयुष्मान जल्दी ऊपर जाओ राइट साइड में मेरा रूम है उसे बाहर से बंद कर दो जाओ जल्दी काव्या 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 आंखें खोल बेटा आंखें खोलो काव्या 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 बेटा बेटा आंखें खोल काव्या क्या हो गया इसे पता नहीं किसने हमारे कमरे में जहरीली गैस का सिलेंडर रख दिया था मैंने नॉब तो बंद कर दिया फिर भी काव्या की आंखों में चला गया नहीं उठो काव्या काव्या बेटा देखो तुम्हारे पापा जी तुमसे बात कर रहे बेटा आगे खोलो हाँ हाँ काव्या पार्वती जी काव्या करण सर हाँ 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 मैं यहाँ पे हूँ मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास तुम देखो ना केवल चाचा चाची का ही रूम है जो सेफ है पर यहीं पर गैस का असर कम है करण आप ठीक तो हैं ना घर पे आपके हो तो ये भी काव्या भाभी की ऐसी हालत बहुत बुरा लगा मैंने एंटीडोट दे दिया है कुछ ही देर में असर दिखना चाहिए काश कि काव्या कभी ठीक ही ना हो इस करण का सितारा बहुत बुलंद है तभी तो हर बार मरते मरते बच जाता डॉक्टर साहब मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी ना प्लीज आप ऐसा मत कहिए हौसला रखिए देखिए एक डॉक्टर होने के नाते मुझे जो कुछ भी करना था मैंने सब कर दिया है बाकी सब भगवान के हाथ में है अच्छा करण जी अब जरा मेरे साथ बाहर चलिए कुछ इंजेक्शन और दवाई के बारे में आपसे बात करनी है मैं वो करण जी डॉक्टर भाग गया डॉक्टर देखिए आप मुझसे खुल के बात कीजिए कहीं काव्या की जान को खतरा तो नहीं है बोलिए डॉक्टर बोलिए ना प्लीज आने वाले 30 घंटे काव्या जी के लिए काफी क्रुशियल है कुछ कह नहीं सकते जहरीली गैस डायरेक्ट उनकी आंखों में चली गई है और इनहेल करने की वजह से उनके खून में भी जहर मिल चुका है देखिए साफ साफ कहूं तो उनकी आंखों की रोशनी जा सकती है शायद उनकी जान भी मेरी जान आपसे बढ़कर नहीं आपसे बढ़कर नहीं आपसे बढ़कर नहीं आपसे बढ़कर नहीं डॉक्टर
काव्या की जान नहीं जा सकती है। मैं काव्या को कुछ नहीं होने दूंगा। दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स बुलाऊंगा, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ओपिनियन लूंगा मैं, लेकिन काव्या को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे पास 30 घंटे है ना, 30 घंटे है ना मेरे पास, जमीन आसमान एक कर दूंगा, लेकिन काव्या को कुछ नहीं होने दूंगा। ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास जो भी बेस्ट डॉक्टर है, बेस्ट सर्जन है, उसे उठाकर अभी हवेली पर लेकर आ, अभी। करण जी, काव्या की जान खतरे में है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? महादेव, काव्या को बचा। पार्वती, 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 कुछ नहीं होगा पार्वती। तुझे अपने प्लान पर क्या हुआ आखिर में? चार कितने बाद करण भी बच गया, और कभी आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी। और देखना, करण कैसे भी कुत्ते की तरह सूंघकर पता लगा लेगा कि इस कांड के पीछे कौन है। आपको भले ही लगता हो डैड कि करण बच गया, मगर करण मेरे वार से अधमरा हो चुका है। शायद आपने वो कहानी नहीं सुनी कि एक राजा की जान उसके तोते में बसती थी, ठीक उसी तरह इस राजा की जान काव्या नाम के तोते में बसती है। जब तोता ही नहीं रहेगा तो ये राजा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। भवानी जी, एक बात समझ में नहीं आ रही है। आप लोगों के होते हुए घर में जहरीली गैस कैसे फैल गई? और वो भी तब जब करण और काव्या अकेले कमरे में थे। क्या चाहते हैं आप? हाँ, आपकी बेटी के साथ साथ हमारे घर का चिराग भी इसी हवेली में था। करण की जान भी खतरे में थी। हाँ, सिंह परिवार पर हमला हुआ है और जिसने भी किया है उसे ढूंढेंगे और सजा भी देंगे। अरे सजा तो तब दीजिएगा ना जब मेरी बेटी जिंदा बचेगी। भानु जी, आप ओम जी, हमें जज्बात से नहीं धैर्य से काम लेना होगा। काव्या हमारी बहू है, हमें भी चिंता है उसकी। यहां हम उसकी पूरी देखभाल करेंगे, आप यहां रुकेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी। बेहतर है आप अपने घर चले जाएं। आप पूरी देखभाल की बात करते हैं, रत्ती भर भी ख्याल रखा होता ना आज ये नौबत नहीं आती। क्या मतलब है आपका? मतलब बिल्कुल सीधा है मेनका जी, काव्या से आप लोगों का रिश्ता सिर्फ 1 महीने पुराना है, लेकिन काव्या मेरी बेटी है, इसीलिए जब तक उसको होश नहीं आ जाता आंखें नहीं खोल लेती, हम कहीं नहीं जाने वाले, हम कहीं नहीं जाएंगे पार्वती। यहाँ पे इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? देखिए प्लीज सर, यहाँ से चले जाइए,
पेशेंट को ट्रीट करने में दिक्कत होती है और पेशेंट भी डिस्टर्ब होता है। प्लीज टेक केयर। कर पापा आप घर जाइए। मैं काव्या को कुछ नहीं होने दूंगा, मेरा वादा है आपसे, ट्रस्ट मी। आप घर जाइए। आयुष्मान तुम सबको लेकर घर जाओ, मैं आप सबको पल पल की खबर दूंगा। जल आया हूं मैं गंगा जल। इंजेक्शन लगते ही काव्या स्वर्ग सिधार जाएगी। हमने अपना काम कर दिया, अभी आपका काम शुरू।